वन विभाग की टीम ने गरीब का आशियाना गिराने पर लगा दी अपनी पूरी ताकत। सोनभद्र रेणुकूट वन विभाग द्वारा दबंग के इशारे से रेणुकूट विश्वकर्मा नगर की निवासी कामकाज करने वाली गरीब महिला की छोटी सी झोपड़ी को गिरा दिया गया है। जब महिला से पूछा गया तो उन्होंने बताया, कुछ महीने पहले मेरी बेटी का मामला न्यायालय में चल रहा है, आरोपी गए जेल, इसीलिए दबाव बनाने के लिए मुझे आए दिन धमकी दिया जाता है और मेरी झोपड़ी एक दो बार गिरा दी गई। मैंने इसकी शिकायत वन विभाग अधिकारी को किया, उन्होंने हमें कहा तुम्हारी झोपड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल के आदेश अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मैंने उसे कहा, रेणुकूट में वन विभाग की जमीन पर कई पूंजीपतियों का कब्जा है, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो, हमें मत बताओ हमको क्या करना है। महिला ने बताया, चर्चित होटल के इशारे से एवं बीजेपी के नेता के इशारे से काम कराया जा रहा है। महिला की बेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र से अवगत कराया है कि इन लोगों द्वारा बार बार हम लोगों को परेशान जा रहा है, बारिश के मौसम में मेरा घर गिरा जा रहा है, मेरी 5 बेटी है, इन्हें लेकर मैं कहां जाऊंगी, मेरा पति विकलांग है, अपनी 5 बेटियों और विकलांग पति के साथ कहां जाएंगे हम लोग। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। तुम्हारा? दिव्या भारती। कहां की रहने वाली हो? रेणुकूट की। रेणुकूट में? कहां रेणुकूट में? यहां वन विभाग में रहते हम लोग। ये क्या मामला था, जब वन विभाग वाले आए थे तो आपके घर में कौन कौन था? सिर्फ मैं अकेली थी। क्या आपने वन विभाग वालों से कहा था कि मैं अकेली हूँ, मम्मी को आने दीजिए? हाँ, हमने बोला था कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, अभी रहने दीजिए, एक दिन का टाइम दीजिए हमें, पर वो लोग नहीं माने। उनके साथ और कौन कौन लोग थे? 10-15 लोग थे, सब आदमी आए हुए थे। क्या उस महिला सिपाही थी साथ में? नहीं, कोई नहीं था। क्या आपको मम्मी को जानकारी दिया गया फोन से कि आपका घर गिरा रहे हैं, आप आइए? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। नहीं, वन विभाग वालों ने ये आपका घर गिरवाया था, तो घर में कौन कौन थे? एक लड़की थी हमारी। क्या महिला सिपाही साथ में आई थी या घर गिरवाने? नहीं। क्या किसी को आपको सूचना दिया था कि आज आपका घर गिरा दें? दो कोई दिन नहीं करने? सूचना, कोई नहीं सूचना, हम तो गए थे खुदा काम करने, झाड़ू पोछा बर्तन करने जाते हैं। अच्छा, तो आपको कोई सूचना नहीं थी? कोई सूचना नहीं। आपको कैसे पता चला? हमको जब लड़की हमारी फोन की जहाँ हम काम करते हैं जी, तो वो बोले कि हाँ आपको तो घर तोड़ दिए बेटा सब, तो हम बोले कि हाँ हमारा लगता है घर टूट गया। फिर हम भागल भागल आए घर पे, तो वन विभाग वाले सब टोट टाल कर चले गए थे घर। आपका? जमुना। कहाँ के रहने वाले? हम करहिया के हैं। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हैं? विश्वकर्मा नगर, यहाँ रहते हैं वन विभाग में। वन विभाग विश्वकर्मा नगर ना? हाँ। क्या मामला, एक घर आपका कैसे गिरा है, कौन गिराया है? अरे भाई, फॉरेस्ट वाले गिराए हैं। किनके इशारे पे? राज वर्मा के सारे पे। राज वर्मा कौन है, जो बीजेपी के नेता है? हाँ। और किसके सारे में? और गकुल भी हैं। क्या मामला था? गकुल तो भगाने चक्कर में, हमारा जगह है, में हम लोगों को है, मतलब यहाँ से तुम इन लोगों को भगा दो, जुगाड़ बना दें। जुगाड़ बना दें? रहने नहीं देंगे? रहने नहीं देंगे, बार बार परेशान कर रहे हैं। 10 बार मेरा झोपड़ी गिरा, एक बार नहीं 10 बार हमारा गिरवाया है। 10 बार बोलता है कि तुमको हम जान से मरवा देंगे, उसका लाज है ये। किसने कहा? ये गकुला कहा था, उसका बड़ा वाला बेटा भी बोला है कि तुमको ना मार, ज्यादा बोलोगी ना तो तुमको मरवा देंगे, ये बोला। हाँ, यही बोलता है। किसकी शिकायत आपने पुलिस को की कभी? हम लोग नहीं की, हम लोग छोड़ो जाने दो, अगल बगल का बात है, अगल बगल का बात है, हम लोग नहीं कर पाए। और उधर से देखिए, हमारा मोटरसाइकिल भी चोरा के ले गए, पिकअप भी हमारा चोरा के ले गए। ये सब आपको यही करवाता है गोकुल चाट वाले, देता है राज वर्मा को पूरा शिकायत। अच्छा। और अखिलेश मिश्रा कंप्लेन करते हैं वन विभाग में, बस आते हैं हमारा कर देते हैं। पाइप भी कटवा दिया हमारा अखिलेश मिश्रा, पानी नहीं आया, पानी नहीं हमको मिला, पानी की आपको थोड़ी पानी का पानी का सुविधा नहीं। लॉकडाउन में भी मेरा पाइप कटवा दिए अखिलेश मिश्रा, और टंकर दिए थे निशा सिंह, वो भी पानी रोकवा दिया वन विभाग में कहकर अखिलेश मिश्रा, ये दोनों।